ठंडी ले ले दोनों चल। इसके बाद मुकाबला इसमें जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला 6 से खेला जाएगा। अब लैसिया छूमता हुआ एक्शन पर पहुंचे, अच्छी गेंद जगह बनाई, घूम कर खेला है और गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। क्या है ये चार रन अच्छे हैं, अच्छे हैं। मैं पिछली बार भी भाई चार मेरे हाथ में से उठाएंगे, एक हाथ पता है अच्छे है। क्या बाल भाई पेश की होगी 6 के साथ ग्यारह पहली सूरत कितने होंगे 7 रन। हंगर स्ट्राइक सिंगापुर क्राउड कैच पर 50 दे रहा है, वो सब क्राउड कैच नहीं होने वाला है, दर्शक बैठ चुके हैं। अब कोई क्राउड कैच नहीं, कोई और इनाम लगा दो, अगर आपको इनाम देना कोई और इनाम लगा दो। दर्शक काफी खामोशी के साथ बैठे, कोई कैच वैच करने के मूड में नहीं है क्योंकि दरअसल न्यूज सर पर चढ़ चुकी है। बहुत वक्त ज्यादा ना दें। हाँ भैया 6 छक्के पर 1000 के नाम है जावेद भाई, मुस्लिम पट्टी फैस से देना चाह रहे हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। 6 छक्का नहीं लग रहा है, एक साहब न्याय में आए बोले 6 छक्के पर 10 हजार और 6 छक्का लग गया और वो गायब इस तरह से हो गया जैसे लग रहा है कि उससे सही साफ आउट किया, साफ आउट। हैट्रिक विकेट पे 5 रुपए के नाम है। अल्फा क्लॉथ स्टोर का कैप्टन आउट हुआ है, अल्फा क्लॉथ स्टोर का कैप्टन आउट। अब नए बल्लेबाज का मैं नाम जानना चाहूंगा, नाम में भूल रहा है, उस नाम तो सबका याद है सबको याद लेकिन बर्फ भूल रहा है। तो अबुल लैस एक शानदार ऑलराउंडर है और अब हस्तान का मुकाबला किस टीम से होगा लोग ये पूछ रहे हैं। अभी दोस्त कल दिन पूर है, अलाउद्दीन पट्टी है, छाव है और एक मुकाबला ये चल रहा है, यानी अभी बहुत सारे मुकाबले होने वाले हैं। अब लैस तैयार, एक मिसफील कर दिया था रवि भी, अगर एक कैच पकड़ लिया तो शायद मैच बन सकता था। तैयार है अच्छी गेंद पर लगी हुई तेजी के साथ, इस बल्लेबाज का नाम अयान बता दो, इस टाइप के बल्लेबाज आप जानते होंगे साले हयात, साले हयात। नहीं भाई सादिक सुल्तान की टीम है हसान, यहां देखिएगा दोस्त और कब इंतजार करें कि मेरा नंबर कब आएगा, आज नंबर तब का आएगा। और अयान मशरफ भाई बिरयानीगंज मुकाबले को देख रहे हैं, बिरयानीगंज खेल रही मशरफ भाई इस मुकाबले को देख रहे हैं, कोई करते हुए साले हयात खेला है, फिर वहां पे आ रहे हैं और एक रन मिल जाएगा, इसे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 8 है, स्कोर जा पहुंचा है 8 है। अल नर्मल टाइप अलियागंज काशिफ जिसके कैप्टन है, बहुत शानदार टीम ये सेटअप करते हैं और अच्छी टीम बिल्कुल की रखते हैं, ये हमेशा क्रिकेट खेला करती है अल नर्मल टाइप अलियागंज। मुझे लग रहा है कि टाइप वालों से ऑफर किया गया था कि ये किट आपको देना पड़ेगा, शायद वही किट यहाँ बल्कि बड़ी प्यारी आई है, पिस्ता कलर की है और ये बहुत घूम कर खेल रहे थे लेकिन 1 रन में जाएगा, दूसरे के लिए भाग रहे हैं, रन आउट का चांस था लेकिन सही वक्त पे वापस आ गए। खेल की समाप्ति 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3-4 मैच के बाद अपने बल्लेबाज कौन आएंगे, नए गेंदबाज कौन आएगा दोस्त गेंदबाजी करने के लिए देखा जाएगा। तो शहनवाज साहब मास्टर शहनवाज साहब छक्के पूर्व क्या सोच रहे हैं दोस्त, कहां जा रहे हैं, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम बाथरूम में गुसल कर रहे थे, नहा रहे थे, कुछ याद आया बिल्कुल बाहर आ गए नंगे, इस चीज को बनाने के लिए बात याद आया, मैं उस पर कपड़ा नहीं पहना हूं। ये गेंदबाज का नाम बता दें, सनान
सनान के बाबू के निकले आए। जुम्मन भाई ठेकेदार भी देखे जा रहे हैं, ये सनान क्या सनसन के बाबू निकालेगा, देखा जाएगा। सनान तैयार है बाबू करने के लिए, कुछ लंबे वाली उड़ान के साथ छोटा सा कद मासूम सा चेहरा, अंपायर हमको क्रॉस किया देखकर पहुंचे करेंगे और ये बहुत अच्छा स्टेप खेला है। फिर वहां प्यार है, एक रन मिल जाएगा, दूसरे की मांग हो रही है और ये दो रन पूरा कर लेंगे। इसी दो के साथ स्कोर का पहुंचा है 9-11। कहा था कि 9-11, एक कहावत है कि क्या यहाँ 9-11 होगा, आसम के दर्शक का स्टोर या अलमरमर टाइल्स बलियागंज कुछ करेगा। फिर बात ये अच्छी अलमरमर टाइल्स बलियागंज की तैयार गुलाबी करने के लिए कोई खुशी के साथ करना शुरू किया और गुप्त पहुंचे गए करेंगे। शहद को अच्छी गेंद की गेंद करके ले तो वो तेजी के साथ एक मिलेगा खेलना चाहे मैदान की जाने गुप्त पहुंचे मैदान पर एक मिलेगा दूसरे के लिए भाग रहे हैं। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट ब्लास्ट ऑफ फंबलिंग हुई, उसका पूरा एडवांटेज मिल गया। जहां एक था वहां दो में तब्दील किया इसको, 13 रन दूसरा ओवर जारी, 13 रन दूसरा ओवर जारी है। और कल आज तो जुमा है, जब आज जुमा है और मुकाबला लोग सोच रहे हैं कि खत्म हो जाए 6 बजे तक तो बेहतर होगा और उम्मीद है कि 6 बजे तक मुकाबला खत्म हो जाएगा जी। आज फाइनल हो के रहेगा मुझे लग रहा है। इसके बाद 5 मुकाबले और परमिशन आज 5 मुकाबले और बचेंगे। घाव करे गंभीर इसी छे के साथ इसको जब पहुंचा है अब यहाँ पर 19 है, 30 ओवर जारी है। और सनान से कह रहे हैं दोस्त मैं गेट को सनासन बाहर भेज रहा हूँ, मेरा सा आप और अच्छी बाजी कीजिए। ये शहद और सनान दोनों की हम उम्र दोनों एक अच्छा कॉम्पिटिशन तैयार। सनान दोनों से किया शहद के लिए विकेट पहुंचे गए करेंगे और फिर नो लुक शॉट के अंदाज में खेला है, निशाना कहीं साथ रहे थे गेट कहीं पहुंचे गए के बाद तो इसी दे को फर्ज करे कि तो जैद आप गुल्लू जिसे दोस्त कहा जाता है विकेटकीपर है, गुल्लू विकेटकीपर है, एक विकेट कीपर है, एक खिलाड़ी फ्लिप पर है, एक खिलाड़ी आप देख रहे हैं बिल्कुल पॉइंट बाउंड्री पर है, एक खिलाड़ी स्टक कवर है, एक खिलाड़ी मिडऑफ है, एक खिलाड़ी लॉन्ग आर्म लॉन्ग आर्म पर है, एक खिलाड़ी बिल्कुल मिड विकेट और लॉन्ग आर्म के बीच में है, एक खिलाड़ी बिल्कुल मिड विकेट पर है, एक फाइन लेफ्ट की जानेब है। बाउंड्री के बाहर से अब फहद अपना जौहर दिखा रहे हैं, शानदार ऑलराउंडर है ये फहद। इसी छे के साथ स्कोर 27 दूसरा जारी है। ऐसे क्रॉस स्टेज की अब काफिलाना हमला जारी है, अयास के आउट होने के बाद फहद ने बोला उठाया है कि खामोश मुजाहिद ने जीना नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो पहरा मचा दो। शनान के रन में सनासन रन आ रहे हैं, खूब रन आ रहे हैं स्नान के स्वर में 27 रन बन चुके हैं। अब लैफ जब कमजोर से बराबर किया था उसकी कुछ भरपाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब बहुत तैयार और कहाँ जा रही है, बहुत दूर जा रही है, तब दूर जा रही है और किस्मत 43 देर किस्मत को पेश करता है। अब अयाज आ रहे हैं कि शाबाश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये अयाज उस क्रिकेटर का नाम है जो राजस्थान में क्रिकेट खेला, जो मुंबई में क्रिकेट खेला, जो दिल्ली में क्रिकेट खेला, महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में क्रिकेट खेला। अगर आईडी का चक्कर नहीं होता, अगर आईडी इनकी राजस्थान की होती तो शायद आज ये प्लेयर हमारा बहुत दूर होता। तो उस वक्त लोग आईडी का बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे लेकिन आईडी ने बैक किया, फिर आकर आजमगंज में एक अच्छा क्रिकेट खेला है। आज एक अच्छा इंसान है लेकिन इनकी एक अपनी दुकान है, अपनी एक शॉप है पकड़ाते स्टोर के नाम से जो आजमगढ़ में है, एमएम के करीब में है। और एमएम स्टोर एक शानदार शोरूम आजमगढ़ का है और हंगर स्टाइल रेस्टोरेंट संजयपुर टावर को 50 रुपए की नाम दे रहा है। और जावेद अहमद मुस्लिम पट्टी 6 लगातार 6 लगाए 1000, 3 लगातार विकेट ले देते 500, दोनों टेढ़ी खेल है दोनों, न तो 3 लगातार विकेट मिलने वाली है, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, न तो 6 लगातार 6 लगने वाले हैं। जावेद भाई आप बहुत होशियार है जो नाम लगा रहे, नाम निकलने की संभावना
सिर्फ 5% है, 95% नहीं है। भाई खैरियत तो कर रहे हैं इनकी गेंद घुमा देखा जाता है, गुलाबी करते हैं ये तैयार है रिलायंस। इसमें 35 रन है, कुछ बहुत समझाया है कि राशन मजो सिंगल लेकर कुछ रन बनाने हैं। चार वर्ग का भी मुकाबला है, 50 प्लस करने होंगे और बीट करने में दो लगातार गुणों को बात किया है। बिल्लू ने कहा शाबाश और अपने इस खेल के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। युवा नेता समाजवादी पार्टी कलीम साहब छाव आ जाए जो नदीम के बड़े भाई हैं। कलीम आ जाइए, कलीम दिल्ली आप आ जाए, आपका इंतजार करें। मुकदमा मैंने कमेटी ड्राइव किया गया बड़ा की जाने और एक रन जरूर मिलेगा। दूसरे की मार कर रहे हैं, अब दो मिल गया, बहुत दो दो बहुत मिला। तीसरे की मार ये देखिए गोल रनिंग तुरंत विकेट, बहुत शानदार रनिंग हो रही है। चौथे की मार है, क्या होगा और यह रहा तीन रन बनाने के बाद चौथा लेना चाह रहे थे रन आउट। इसी तीन के साथ इस पर पहुंचा 36 और कलीम जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो कमेंटी बॉक्स के पीछे तीन लगातार छक्के पर मुस्लिम भाई मुस्लिम पट्टी जावेद भाई दे रहे हैं 500। ये नाम अच्छा है, ये नाम निकल सकता है, ये नाम लग सकता है। तो मुस्लिम पट्टी जावेद भाई आपका शुक्रिया कि आप 500 की बड़ी मोटी सी गति लेकर बैठे हैं, उसमें से नोटें लगातार एक एक निकाल हैं। आलोक विधायक खामोश बैठे हैं, वालेकुम अस्सलाम। हाँ छाव जीती है भाई, छाव बहुत अच्छे गए, बल्ला पहले चला गया जिनके चिन्ह से आके लगी है, लेकिन एक रन स्कोर से एक के साथ 37 तीसरा रन जारी है। तीन रन ले रहे, छह लगातार कोई छक्का लगाएगा तो रहीम भाई से सुल्तानपुर 500 रुपए का इनाम देंगे। ये पैसा बड़े बहुत वाला है, इसलिए 5 लगाए छह लगातार छक्के पर। नेक्स्ट मैच अभी अनाउंस कलीम कलीम साहब छाव आप आ जाए, आपका इंतजार हो रहा है। कलीम साहब छाव आ जाए, आपसे मिलना चाह रहे हैं अकबर खान फ्रॉम से सुल्तानपुर। ये अच्छी गेंद लगातार बढ़ रहा है, कुछ छक्का रही है बुल्ले से जो इससे पहले खुलासा टीम खुलासा टूर्नामेंट के चैंपियन थे, जो दो में टूर्नामेंट हुआ था गुलगंज अलमाबाद स्ट्राइक पबल लाइफ को हमारा शानदार गजाबी किए थे। तो हंगर स्ट्राइक रेस्टोरेंट संजयपुर करोड़ पर 50 रुपए की इनाम दे रहा है। साकिब कपूर प्रधान पद के प्रत्याशी भी इस टूर्नामेंट में बहुत ही योगदान किया है, परमिशन लेके यहाँ पर आए थे और इस खेल के साथ लगे हैं, उनका भी शुक्रिया। और संजयपुर के लोग जाएंगे नहीं क्योंकि अभी उनका मुकाबला खेला जाएगा, कई मुकाबला। अब इस बल्लेबाज का नाम बता दें, बहुत मदद रहा हो अपने बल्लेबाज से लगातार बात कर रहे हैं। अगर इस तरह से बनेंगे दोस्त तो 49-50 रन तक टीम अपना टारगेट देख रही है कि 50 रन तक बना सकती है टीम, लेकिन अब गुल्ली भी बाजी करने के लिए आए। बात का नाम हुआ है बुमरा कितना लगातार छक्के पर 500 रुपए के नाम जावे कहा मुस्लिम पट्टी तो लगाओ दोस्त 500 रुपए के नाम जीते और ये नीचे रहते हैं ये फिर किया है जैद बिल्लू। एक शानदार ये बुनियागंज के नगर पालिका में रहते हैं, लेकिन वहां पर भी ये घूम रहा नाश्ता पे घूम रहा है
बुमराह रन स्टाइल पे है, स्टाइल पे फहद है, तैयार है, नौ शुरू किया, विकेट पहुंचे और बहुत अच्छा विद आउट किया, फोर्थ निकाला, एक मिलेगा और बुमराह रन आउट हो जाएंगे। बुमराह आए और जा रहे हैं, अब कौन आएगा देखा जाएगा। अपने बल्लेबाज का नाम बता दो, अल्का बातिस्ट और आजमगढ़ की दबा में है, स्कोर 37 रन बने हैं। आन बल्लेबाज का नाम बता दो, फिर फहद के लिए बल्ले का बाहरी सिरा लगा था, गुड पास जो थर्ड मैन एरिया में, एक रन दूर नहीं जाएगा, दूसरे की बात के लिए मना किया गया, इसको इसी एक के साथ यहां पे जा पहुंचा है। 38 ओवर अंतिम चल रहा है, यानी चौथा ओवर जारी है, चौथा ओवर जारी है, 38 रन बन चुके हैं, दो ओवर में अच्छी काफी रन बन गए, फिर तीसरी रन नहीं बने हैं। अब लेफ्ट कवर काफी अच्छा रहा और काफी अच्छी गिरफ्तारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। मसरा भाई बिरियागंज इस मुकाबले को देख रहे हैं, जरूर देखते हैं जब मैच होता है बिरियागंज का, तैयार है, इसमें तमाम रन आउट का चांस बन रहा है, लेकिन एक रन बैठ के पूरा करेंगे, एक वाइड का भी दे आ जाएगा, इसी दे के साथ स्कोर जा पहुंचा है 41 रन, चौथा और आखिरी जारी है, चौथा और आखिरी जारी है और ये मुकाबला खत्म हो जाएगा, तो फिर 20 अक्टूबर से भदोही टूर्नामेंट है, जो नवंबर से बखरा कप खेला जाएगा, जो बहुत शानदार टूर्नामेंट है, तैयार है, गुल्लू अच्छे गए, तीन गेम का खेला है, पहुंच गए बाउंड के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए, इसी 6 के साथ 37, 16 नवंबर को खेला जाएगा मैन पार्कपुर कप, जिसके ऑर्गेनाइजर है मनीष विश्वकर्मा जी, जिसने दो फ्लोर में आ रही है, एक सीट डिजायर है, एक अल्टो है और एक पल्सर है, कई जीत के लेके जाएगा, ये ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट यहाँ पे देखे जा रहे हैं, जो नवंबर के महीने में बरसात है, बहुत बड़े टूर्नामेंटों की तैयार महसूस किया, एक मतलब फिर उनका गेम भी वृद्धि पर चीता है, थर्मल एरिया पे जा रहा है, चली जा रही है, एक मिलेगा दूसरे से लोग भाग रहे हैं, एक रनिंग को ठंड करके बहुत तेज रनिंग कर रहे हैं, 2 का 4 स्कोर 49 चौथा ओवर जारी है, तुरंत बना लिया, ये बाजी है, आयास का दौर है, महत कवर है, तो आजमगढ़ पे संघर्ष कर सकता है, आजमगढ़ पे बोलने पे रोक सकता है, नवीन जिली रामछाउन के दुबई में है, वहां से इस खेल का बड़ा सपोर्ट किया है, पूरा सहयोग किया है, ये जो समाजवादी पार्टी उनका नेता है और अपने ब्रेडिस्ट बोल के हैं, तैयार का पास किया और फहद ये एक मतलब बड़ा ऊंचा स्टेज 6 रनों से खेल दिया है, 55 रन बन गए हैं, 56 का टारगेट, ये फहद कमाल की बल्लेबाजी की है, फहद कमाल की बल्लेबाजी की, 56 चाहिए मैच जीतने के लिए, अब यहाँ पे कुछ तो बिल्कुल धड़कन बन रही है अभी बोलिया की, लेकिन आयान रह गए तो रन जाएगा, आयान के पास स्टेक है, आयान बहुत तेज बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो पूछा जाएगा कि कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्या होगा, और इसी की जो टीम जीतेगी संभवता उसका मुकाबला 6 से होगा, इसमें से जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला 6 से खेला जाएगा, फिर उसके बाद हरिद्दीनपुर भी है, अलाउद्दीन पट्टी भी है, बाद चार टीम बची, एक बाद वो छाव वाले के बाद
सज्जनगढ़ में अब्दुल्ला हाफिजी तो नहीं दिखाई दे रहे थे। प्लीज नमो का जो दर्शक आम के लिए इनाम आया है, जो दर्शक आम के इनाम आया है, हंगर स्ट्राइक रेस्टोरेंट संजरपुर 50 रुपए इनाम दे रहा क्राउड कैश पर। शाहपुर ग्राउंड के लिए अच्छा खासा बजट दिया है शाहपुर के प्रधान को, तो प्रधान जी से कल मिला जाएगा भाई, कुछ बजट में से खर्चा वर्चा होगा। बिहार जो बाइस का नाम हमजा, हमजा की बॉडी खेलने गया, तो उसके अभी तक पहुंचे, अच्छी गेंद, आयान खेला है, बाउंड्री की तरफ जा रही है और ये अंपायर का इशारा, वेलकम बाउंड्री फॉर अलमरमा तारीफ दुलियागंज, अलमरमा तारीफ दुलियागंज, वेलकम बाउंड्री। आयान के बल्ले से ये चौका आया है, नॉन स्ट्राइक पे सुभाष है, बहुत पहुंचे हमजा के पास कि 5 से 5 के सीमिंग के विकेट पे बहुत कुछ नहीं है बाजा के लिए, फिर भी हमजा तैयार जो बाजी करने के लिए और आलोक भी जाने वाले हैं दुबई तैयार। अच्छी गेंद ट्राई किया, पिंडर मौजूद यहां पर एक में जाएगा, अब ये सुभाष सामना करेंगे, हमजा का सामना सुभाष करेंगे 5 रन 56 के जवाब में। ये भी मुकाबला अच्छा होने वाला है, मुकाबला अच्छा होने वाला है यहां पर, तो इसके बाद मुकाबला जो जीतेगा उसे तुरंत खेला जाएगा, इसमें से जो टीम जीतेगी तुरंत 6 से मुकाबला इसका होगा, तो 6 टीम बिल्कुल तैयार है। हंगर स्ट्राइक रेस्टोरेंट यहां पे नाम लगाए हैं दर्शकों के लिए, नहीं लेने दिया इसको, रुका हुआ 5 पहला मर जा रही है हमजा के द्वारा, तो हंगर स्टाइल का बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं नौमान संजरी साहब जो अल्फा फाउंडेशन ग्रुप के मेंबर हैं। और जो ग्राउंड बहुत साफ सुथरा है उसको इकाना ग्राउंड लखनऊ का खिताब दिया गया यहाँ पर, जैसिया सुल्तानपुर का ये ग्राउंड है। आयान के साथ से गलेबाजी करेंगे, हमजा तैयार वृत्त तक पहुंचेगे करेंगे और बहुत अच्छी गेंद इनर एज लेते हुए बल्ले का पहुंचे है, लेकिन वहां पर विकेट कीपर खुद पहुंचे, एक रन भी बहुत चतुर चालाक है, लेकिन ये 2 मिल गया, जहां एक था वहां 2 मिल गया, इसी 2 के साथ इसको 8 है, पहला रन जारी है। अकबर मंत्री और अकबर खान ये सोच रहे चलो मैच आज खत्म हो जाएगा, कल आराम सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे, सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। ये तो बड़े बड़े टूर्नामेंट की छोटी कहानी है कि खसारे में है, तैयार की बारी करने के लिए तो एक ओवर 9 रन 56 4 ओवर अब ये आयाज आ रहा है, अल्फा क्लॉक स्टोर के ऑनर आयाज आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए, सामने है आयान और सुभाष, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अल मरना पास दुनियागंज को अगर मैच बने रहना है तो, वरना खेल बिगड़ जाएगा। तैयार होता फिर
तैयारी करते हैं। फिर ये अलार्म बहुत अंदाजे जोरदार अपील कट बिहाइंड की आशीष संजरी और दोनों अंपायर टस से मस नहीं, टस से मस नहीं। अगर आयाज इधर देखेंगे क्या बीआरएस है, क्या हम इसको ले सकते हैं? बोला नहीं, यहाँ अवेलेबल नहीं है। चलिए अपनी बात देखिए, दोनों अंपायर को देखा, फिर इधर उधर देखा कि क्या मैं रिव्यू ले सकता हूँ, लेकिन कहा गया नहीं भैया ये अवेलेबल नहीं है, अपनी बात देखिए। तो भी इसको बहुत खला में खेला गया है, कैच की संभावना बन रही है और आयाज ये है महारथी बहुमूल्य विकेट। अब बीच मैदान में हिस्केले खेलेगी टीम अलमरमर टाइगरगंज। नए बल्लेबाज का नाम देखा जाए कौन है, मैं बल्लेबाज का नाम क्या बता दूं, गुरु, हाँ जय गुरु, यार आप गुरु कमजोर हो गए, ये डायबिटीज बस पकड़िए तो आपको लगे थे तैयार के बारे करने के लिए उससे के लिए जय गुरु के लिए अला पहुंचे, क्या अब तक पहुंचे, फिर अच्छी गए पैरों में क्यों थी ये करने में लगा था। अब ये छप्पन बहुत बड़ा लगने लगा है, जिस राशि के बाद ये कि 24 गेंद का मुकाबला है उसमें 60 गेंद हो चुके हैं और स्कोर यहाँ पे देखे जा रहे हैं 10 रन तो मुश्किल है, 16 गेंदें बची हुई हैं तो मात्र 10 बने हैं, 46 चाहिए। तो अब यहां से ऊंचे ऊंचे स्टॉक खेलने पड़ेंगे, ग्राउंड के ऊपर से जाना होगा तब जाके काम बनने वाला है अलमाबा टाइल दुनियागंज का आयाज। और फिर ये नीचे रहते पूरी तरह से छकाया है सुभाष को, सुभाष तो प्रैक्टिस तो नहीं है बिल्कुल पसंद, जिससे ये स्टैंडर्ड का खिलाड़ी है इस तरह से बल्लेबाजी नहीं करता है। ये बल्लेबाजी करते हैं तो बिल्कुल हार्दिक पांडे के बड़ा छक्के चौके लगातार लगाते रहते हैं और ये यार का घसर के यार का रेस कर रहा है, ये नौजवान अंगूठा तोड़ यार कर रहा है, एक और ऐसे एक रन के साथ स्कोर जब पहुंचा है 11 रन। तो आयाज को कहा गया था कि गजब का हुस्न बख्शता है खुदा ने इस फकीरन को, गजब का हुस्न बख्शता है खुदा ने इस फकीरन को, सफे कपड़े ले आए तो शहजादी से रखती है। ये जो इनका खेल है बहुत गजब का है, ये देखिए अपने धुन पे नचा रहे हैं। ओवर की समाप्ति का ऐलान किया गया, ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 11 रन, दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर 11 रन, 45 चाहिए 12 गेंद पर। अब तो दिल धक धक करने लगा है अलमरमर टाइल्स बुरहियागंज का, शुरुआत में लग रहा था कि बुरहियागंज अपर हैंड में है लेकिन अब यहाँ पर दबाव है, किसके साथ आएंगे, कहाँ आएंगे या कोई और भी दबाव आएगा देखा जाएगा। आज इस खेल में सबसे पहले एक मासूम सा बच्चा आया, सीजर को पकड़ते डर रहा था कि कहीं सीजर मेरे हाथ से छूट ना जाए लेकिन फीता काट दिया। उसके बाद फिर एक और टेस्ट आया, एक और टेस्ट आया जिसमें 6 भाइयों के सगे 6 भाइयों को जोड़ी आई फीता काटे। ये सब टूर्नामेंट की अलग चीज है, ये आजमगढ़ में ऐसा फीता नहीं कटाता जिस तरह से यहाँ पे कटे हैं, एक नई रसल 6 सगे भाई फीता काटे, एक 6-7 साल का लड़का फीता काट दिया, तैयार है हमजा की दादी करने के लिए, जिसको पहुंचे गए करेंगे एक और क्या हो गया है गफलत है ये और बेहतर ये मुकाबला खिलाड़ा में देखा जा रहा है। यहाँ पे आजमगढ़ का पौड़ा भारी है, आजमगढ़ का पौड़ा भारी है, स्कोर 11 रन, 13 गेंदें हो चुकी हैं, लीगल 13 रन ये 11 बची हैं और मात्र बने हैं 11 रन। तो आजमगढ़ का पौड़ा भारी है और तैयार है हमजा अभी तक पहुंचे गए करेंगे। बड़े डाइट दिया था आपके पहाड़े पहाड़ मौजूद है, टेस्ट थ्रो किया गया लेकिन खराब थोड़ा था बेमेट लेकिन उसको संभाला गया, 1 रन और उसको 12 रन। तो शायद आयाज जो कैप्टन है विकेट कीपर है बल्लेबाज के कान में कह दिया है कि आप बिल्कुल तैयार हैं, अच्छी बल्लेबाजी का तभी काम बनने वाला है, तैयार एक बच्चा फिर भी किया। अब आयाज फिर के बाद बल्लेबाज से कुछ कहा है कि कुर्सी की टोपी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला है,
दुनिया एक धोनी का मौसम बिगड़ने वाला है। यहाँ पर लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं हमजा और अंदर मंत्री जो मेहनत कर रहे थे अंडरआर्म में अपनी बाउंड्री में अंदाजा होगा कि कितनी मेहनत फिर बाउंड्री में होती है। हमजा पहला गिफ्ट पहुंचे गिफ्ट करेंगे और ये फिर ड्राइव किया है लेकिन खिलाड़ी जहाँ बहुत झीरक है, क्या जबरदस्त थावत है ये पहुंच और चार रन उसी चार के साथ उसको जब पहुंचा है 16 रन। अभी भी 40 रन चेंजेस के बाद एक ओवर अनाशीष है। मैनपारपुर कप होने के बाद फिर एक दौड़ प्रतियोगिता मनीष विश्वकर्मा करवाने वाले हैं जिसमें बोलो में 11 मोटरबाइक रन है, मतलब यह 3 मोटरबाइक रख दीजिएगा बोल्ड में 11 रखूंगा तो देखो क्या क्या होगा आजमगढ़ में। लेकिन आजमगढ़ में क्रिकेट के मैदान पे 1 करोड़ नवंबर में खराब होने वाला है भाई। 24 टीम का मैच है, रियाल पर एक कन्फर्म कराने वाले हैं, एक सीधे टूडी होगी और 2-3 मोटरबाइक होगी तो यह रहे यहाँ पर फिर आगे बढ़कर उसने खेला है और तेजी के साथ आप दिख रहे हैं कि एक रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ उसको 17 ये सिहा सुल्तान फिर अगली बार एक और लाइव कमेंट करवाने की सोच रहा है और स्कूल का नाम क्या था दोस्त शायद स्कूल और सुपर कंप्यूटर एंड फाइनल आज ही होगा न्यू पैरामाउंट स्कूल और सुपर कंप्यूटर शेयर मार्केट मिलकर एक शानदार होने का साल नाइट होगा कि दिन होगा लेकिन अलसुबह में खेल का जादू स्तर चढ़ के बोल रहा है। ओवर की समाप्ति का ऐलान किया गया इस 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 18 तो बहुत कुछ है। दोस्ती था सुल्तानपुर के लोगों के सर पे चढ़ के जादू बोल रहा है कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है सर पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है, हमारे गांव का बच्चा उर्दू बोलता है। तैयार है गाड़ी करने के लिए उत्साह की गाड़ी करने के लिए आए हैं 18 रन 56 के जवाब में जरूर खेला है 1 रन में जाएगा और इसी 1 के साथ स्कोर होंगे 5 गेंद पर अभी भी चाहिए 37 रन। 6-5 लगातार छक्के लगाएंगे तो बनेगा 30 लेकिन 4 लगातार छक्के लगाओ 500 रुपए का इनाम जीत लेंगे 1000 के बाद जीतेंगे। जावेद भाई सुबह तक मैच होगा, जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक मैच चलता रहेगा और बेहतर मैंने कहा ये खेल चल रहा है और शादाब कपूर भाई कमेंट्री बॉक्स में मिल सकते हैं तो बेहतर होगा। कपूर भाई जो प्रधान सबकी प्रत्याशी शादाब भाई सिंह सुल्तानपुर अगर आवाज पहुंची कमेंट्री बॉक्स से मिले सब तैयार आगेबाजी करने के लिए बिलाल खान टीम कैप्टन छाओ बिल्कुल गैलरी में आ जाए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए टॉस के लिए फिर यहां पर बिल्कुल आज जैद और सुभाष का बल्ला रूठा है बिल्कुल रन नहीं बन रहा है तो आजम ने बहुत शानदार आगेबाजी की बाजार आपका भी वेलकम है। विकेट कीपर चुका है जरूर लेकिन जो जारी मेन एरिया में 1 रन के लिए उसे 1 रन के साथ स्कोर यहां जा पहुंचा है 20 सूरज स्कोर 20 इतना सुस्त स्कोर काम नहीं बनता है स्कोर बहुत एक्टिव रहता है। टीम कैप्टन छाओ आ जाए टॉस के लिए इसमें सुरक्षता टीम से होगा संभवता आजमगढ़ मुकाबले को जीत रहा है और एक मत लग रहा था कि आजमगढ़ मैच से दूर है लेकिन फहद की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैच में बना दिया और अब जीत की द्वार पे खड़ा है आजमगढ़ का उसका क्लॉक स्टोर। तो अरमान जो फॉरेन कंट्री में थे अब वो अपने गांव छाव में आ चुके हैं तो शायद वो ही मजमस्त अदा के साथ टॉस के लिए आना चाह रहे हैं। तैयार फहद और फिर यहां पर खेला है कैच की संभावना बन रही है कैच किए गए नो बॉल है पूरी तो नहीं जाएगा फिर इनके ऐलान भी होगा इसी एक रन के साथ इस पर जब पहुंचा 21 रन रहा
ध्यान संग्रह की संग्रह ग्रामीण उत्तराखंड का दोस्त बने लगा हुआ है और ये ओवर के साथ मात्र 21 पर रोक दिया। ये भी कमाल है कि सबसे कम स्कोर पर रोक देने वाली टीम बनी हुई है। यहाँ पर पास के लिए आ जाए ब्रिलियंट पांच छह में दोस्त वक्त मिलेगा आपको आराम करने का। ये तो बेहतर ये था कि अगले खतरा देते इसके अगले मैच खेल के निकले हैं भ्रासा आयाज भाई आप लोगों को वक्त चाहिए आराम करने का। चार ओवर का मैच उसमें आप लोग थक गए हैं। चलिए भाई मिलते हैं। पांच मैच रिपोर्ट मुझे अंदाजा था तो शायद पास हो चुका है मुझे लग रहा।